नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। गौर करते हैं आज की खबरों की ओर, जो दिन भर बनी रही सुर्खियां। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में विनेश फोगाट की जगह फाइनल में उतरेंगी क्यूबा की पहलवान लोपेस। कल विनेश ने उन्हें ही हराया था। बांग्लादेश की जनता एक साथ एकजुटता से खड़ा है पाकिस्तान। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद पाकिस्तान ने दी पहली प्रतिक्रिया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भर्ती घोटाले में सीबीआई ने लिया एक्शन। राज्य में 15 स्थानों पर की ताबड़तोड़ छापेमारी। कौन 100 ग्राम वाली कहानी पर यकीन करता है? ओलंपिक्स में विनेश फोगाट के बाहर होने पर सपोर्ट में उतरे सितारे। बांग्लादेश में तख्ता पलट का असर। भागलपुर के सिल्क कारोबार पर 5 करोड़ का माल फंसा। 20 से ज्यादा लोग लापता। बिहार में राज्यसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा। 14 से 21 अगस्त तक चलेगी नामांकन की प्रक्रिया। माफी मांगे ASI, नहीं तो सोमवार को ताजमहल में करेंगे जलाभिषेक। अखिल भारत हिंदू महासभा का ऐलान। तानाशाही लंबे समय तक नहीं चलती। बांग्लादेश के हालत पर महबूबा मुफ्ती ने लगाई चिंता। राहुल ने लोकसभा में उठाया वायनाड भूस्खलन का मुद्दा। राष्ट्रीय आपदा घोषित करके मुआवजा बढ़ाने की मांग की। शीर्ष अदालत ने की पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जज की टिप्पणी पर सुनवाई। कहा कि वे अनुचित और निंदनीय है।